हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमंत किचन। आज मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी जो आप सब जानते हो, वो है अफगानी चिकन रेसिपी, जो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं बनाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कैसे बनाता है अफगानी चिकन। और इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पे 1/2 किलो चिकन, जो बड़ा बड़ा पीस में मैंने धो के काट कर काट लगा के रख दिया है वो। और साथ में ले लिया है यहाँ पे ग्रीन चिली, यहाँ पे है काजू जो भिगा के रखा है, यहाँ पे है सॉल्ट, यहाँ पे है खट्टा दही, और साथ में ले लिया है बैग ब्लैक पेपर, और यहाँ पे है ऑनियन, 2 ऑनियन में बड़ा बड़ा ऑनियन काट करके रखा है, यहाँ पे है जिंजर, और यहाँ पे है गार्लिक, यहाँ पे 10-12 गार्लिक का कलिया मैंने ले लिया है। फ्रेंड्स, अभी चिकन का मैरिनेशन के लिए सामान रेडी कर लेंगे। इसके लिए ले लेंगे ये मिक्सिंग जार, उसके अंदर डाल देंगे ऑनियन, साथ में डाल देंगे यहाँ पे जो अदरक है वो, और यहाँ पे जो लहसुन है उसको भी डाल देंगे, और एक साथ सब डाल के हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। और साथ में डाल देंगे 4-5 चिली, और इसके बाद एक साथ सब चीजों को ग्राइंड कर लेंगे। और गाइस, आप लोग जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। साथ में ऐड कर दूंगा 1/2 कप पानी कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये जो पेस्ट बनाया है वो चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी ऐड कर दूंगा, और इसके बाद अच्छे से मैरिनेट कर लूंगा। अभी साथ में ऐड कर देंगे 1 कप दही जो मैंने फेटा हुआ है, ये खट्टा दही है, इसको भी साथ में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। हमारा दही, चिकन एंड जो पेस्ट बनाया था सब एक साथ मिक्स हो चुका है। अभी इसको क्या करेंगे, 1/2 आवर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। फ्राइंग पैन में डाल दिया है 2 टीस्पून ऑयल, और इसमें अभी जो चिकन है इसको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी इसमें चिकन दे देंगे। अभी पलट देंगे चिकन को, कलर चेंज होने लगा है। चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर देंगे चिकन को। मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अभी हम चिकन के अंदर वो जो मैरिनेट करने के टाइम में जो बेस हम लोग मिक्स किया था वही मिक्स अभी ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया है, अभी अच्छे से मिला लेंगे चिकन के साथ। अभी चिकन को हम ढक के पकाएंगे और 10 मिनट्स तक ऐसे ढक के पकाएंगे हाई फ्लेम में। 10 मिनट्स हो गया है, अभी देखते हैं। वाह, ग्रेवी भी पूरा गाढ़ा हो गया है। अभी ऐड करेंगे मसाला हम लोग। अभी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अभी अच्छे से मिक्स कर लूंगा सभी मसालों को।
ये काजू का पेस्ट है, ये वही काजू है जो हम लोगों ने भिगा के रखा था, उसको ग्राइंड कर लिया है। ये ऐड कर देंगे काजू का पेस्ट। चिकन पूरा हड्डी से अलग हो रहा है और सुपर जूसी लग रहा है ये चिकन जो है, देखो कितना जूसी लग रहा है, पूरा निकल रहा है मीट। अभी ऐड कर दूंगा थोड़ा सा अमूल क्रीम, थोड़ा सा अमूल क्रीम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे साथ में। रेडी हो चुका है हमारा चिकन अफगानी, गाइस देख सकते हो कितना अच्छा पका है और ग्रेवी भी कितना थिक बन गया है। गाइस ग्रेवी देखो गाइस, और खुशबू क्या बोलो, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी लग रहा है ये चिकन, और खुशबू तो ऐसा है कि मुंह में पानी आ रहा है। गाइस अभी सर्व करते हैं चिकन अफगानी, अभी प्लेट में सर्व करेंगे ये अफगानी चिकन। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता चुपके हुए और दे दूंगा दो मिर्ची। गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, एंड जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।